लोकसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज है, जहां सियासत के गढ़ इंदौर में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मिशन छिंदवाड़ा और पहले चरण के चुनाव पर अपनी बात रखी। देखिए ये खास रिपोर्ट। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की प्रेस वार्ता। पहले चरण के चुनाव पर बोले विजयवर्गीय, मिशन छिंदवाड़ा पर रखी अपनी बात। इंदौर स्थित बीजेपी कार्यालय पर आयोजित हुई प्रेस वार्ता में शामिल हुए कैबिनेट मंत्री और क्लस्टर प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने पहले चरण के चुनाव पर अपनी बात रखी। साथ ही उन्होंने मिशन छिंदवाड़ा का पूरा सियासी लेखा जोखा मीडिया के सामने रखा। छिंदवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, लाखों वोट से जीतेगी, और छिंदवाड़ा ही नहीं पूरा क्लस्टर जबलपुर बालाघाट मंडला सब देखिए, सबको मोदी जी पे विश्वास है और सब मोदी जी के नेतृत्व में देश में विकास करना चाहते हैं। कांग्रेस के लोग भी समझ गए हैं कि देश का विकास यदि कोई व्यक्ति कर सकता है तो मोदी जी कर सकते हैं, इसलिए कांग्रेस छोड़कर बड़ी संख्या में पूरे महाकौशल में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मुझे लगता है कि हम इस बार 29 की 29 सीट मध्य प्रदेश में जीते। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अलग अलग मुद्दों पर अपनी बात रखते हुए विपक्ष को निशाने पर लिया। देखिए ऐसा है कि मुफ्ती महबूबा आतंकवादियों को शहीद करती थी वोट की राजनीति के कारण, सुप्रिया सुले ने भी वोट की राजनीति के कारण उनको शहीद कर दिया। तो हमारा यही कहना है कि विपक्ष सिर्फ कुर्सी के लिए राजनीति करता, देश के लिए राजनीति नहीं करता, और इसलिए इस प्रकार के शब्द निकलते। और मैं नहीं समझता कि कोई भी आम नागरिक जो भारत माता का सच्चा सेवक हो वो आतंकवादियों को या नक्सलवादियों को शहीद करे, ये सब वोट की राजनीति है, पुष्टिकरण की नीति। सर रामपुरी पर बंगाल में कुल मिलाकर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज है, जहां सियासत के गढ़ इंदौर में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मिशन छिंदवाड़ा और पहले चरण के चुनाव पर अपनी बात रखी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।